हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बढ़िया गाइस, हम भी सब बढ़िया हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं तैयार होकर आज कहाँ जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ गुड़गांव बुआ जी का सीधा देने के लिए। कल गए थे हम गाजियाबाद बच्चों के पास और आज जा रहे हैं गुड़गांव। और उसके लिए क्योंकि पहला मैंने अपने सूखे चुने निकालनी पड़ेगी, तो मैं एक बार अपने सूखे चुने निकाल लेती हूँ। पता ना है ना कहाँ रखी है, मतलब चुन्नी साथ में ना रखी, मैं एक साइड में तय करके रख दिया करूँ, तो वो देखनी भी पड़ेगी कि कहाँ रखी यार। और गाइस, सामान यहीं से इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे हम हाईवे से जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जाने के बाद हमें दिक्कत हो जाती है सामान लेने में, तो मार्केट में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं यहीं से सामान लेके जब जाऊँगी तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा और जब तक बन जाएगी रोटी भी तो मैं आकर खा लूँगी खाना भी। तो अभी चलते हैं और लेके आ जाते हैं, दिखाते आपको जाएंगे हम लड्डू लेने के लिए और दिखाते हैं हम कौन से। लड्डू ले लिए हैं और ये जो है ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, उनको शुगर है तो वो वैसे मिठाई तो खाती नहीं, तो इस वजह से हमने ये वाले लड्डू ले लिए हैं जो शुगर में बेस्ट होते हैं। जो गुड़ होता है ड्राई फ्रूट्स होते हैं और थोड़ा बहुत भुना हुआ आटा होता है तो नुकसान ना देते, तो इस वजह से। और अभी हम ले लेते हैं 1.5 किलो में, बस 1.5 किलोने भी ले लिए हैं, मिठाई भी ले ली है, फ्रूट बच गया है वो हम रास्ते में से ले लेंगे कि वो तो ऑन द रोड मिल जाता है। तो गाइस, सामान हम लेके आ चुके हैं और बस अब एक बार खा लेते खाना, जा रोटी खा लिया और खाना खा के फिर हम जा रहे हैं। 12:30 का टाइम हो चुका है तो निकलते निकलते हमने बच जाएगा एक कल वाला ही टाइम हो जाएगा। गाइस, हम खा रही खाना ये अभी आई, अपनी रोटी खा जा जी। गाइस, ये भी तो हम खा रहे हैं। अच्छा, ऐसे कर सुबह तक एक बैठ के दी थी बना सुबह से एक रोटी पूरी सुबह ना खाई है, उसने ना खाई वाय हम चले अब गुड़गांव। एमोली करना था गाड़ी रिपेयर ना, तो जो सामान था वो हम गाड़ी में रख चुके हैं, यो चुनी ने ले लिया है, चुनी ने भी ठाउं के लिए बनाई के कल तो भरी थी पानी थोड़ी कुछ खराब होती है। चल दिया हम और बाय, मिलते हैं आपसे। अब हम और फ्रूट रहता है वो, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ रास्ते में से जाके लेंगे, तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। यहाँ सबसे चौड़ा रोड बना रखा है मेरे ख्याल में दिल्ली का, 8 लाइन का, तो इतने छोटे छोटे रोड हो जाए सारे का ही दिक्कत खत्म हो जाए। तो गाइस, ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, यही ले लिए अपना एयर फोर्स साइट CFS वर्जन।
पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं ऊपर। और वो जगह तो सही है। तो गाइस अब चले हम वापस। स्टॉल्स लग रहे काफी, बाढ़ आ गया। 6 बज गए हैं और अब पहुंच चुके हैं हम घर पे। हमें लग गया द्वारका में टाइम, क्योंकि द्वारका में रेड लाइट सर जाम, तो यहीं आकर मिला पीछे था, तो हम आ गए थे टाइम पे। अरे और जस्ट अभी आए हैं, तो एक बार मैं पी लेती हूँ पानी और देखती हूँ कुछ। आज था सागर के कॉलेज में फेस्ट। हाँ भाई क्या कर रहा है? कितना कर रहा? कैसा था? बढ़िया था। तो गाइस बाकी जो वीडियोस हैं वो मैं अभी दिखाती हूँ आगे कैसा के था। हमको तो कुछ भी नहीं पता है, तो देखिए क्या था इसके कॉलेज में और ये क्या कर गया है। बोल बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। इनकी गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही नियम से और इसकी दिव्यता को बरकरार रखते हुए कृपया 5 मिनट का अपना श्रम दान दीजिए। अपने बच्चों को सेंटर में भेजिए जहाँ उनकी जगह है, उनको सुनिश्चित कीजिए। और मेमोरी खाली करते हमें सारा दिन यही बोलना कि बस प्रोग्राम होने वाला है। हम सच में 5 मिनट में प्रोग्राम शुरू कर देंगे, उसके बाद किसी को डिसिप्लिन मेंटेन करने का।
परिंदे हैं वो अपना लेके आए इंस्ट्रूमेंट अपने जताने सेट करें। उनसे पहले एक बच्चा है हमारा समीर जो गिटार प्ले करके दिखाएगा आपके सामने। और ऐसा होता है कि जब माहौल डांस वांस का चल रहा होता है उस टाइम गाने हों या भाई दौर ऐसा है दोस्त यार सारा यो भी खतरा बना पढ़ना नहीं भाई यार है भैया तो छोरी है या छोरे हैं या महाराज जी से हैं जो कपड़े ये पैकेज रे बोला किसने लूटेगा तू जाटे के मैं फूटेगा और बोटी के चक्कर में तने कोई गांव वाला और टूटेगा और पिटके ने कहते यार पवाड़े होगे फैशन के दौर में उखाड़े होगे फैशन के दौर में उखाड़े होगे यहाँ पर पधारी सभी को रौनक राकेश किलोया की तरफ
मिलाना कोई बुरा दिखने में चला बुरा मिलाना कोई चौबन देखो आपनो चौबन देखो आपनो बोले
का टाइम हो चुका है। रात को हमने ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी क्योंकि सागर का जो वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था, फेस्ट मेला वगैरह जो लगा था, उसकी वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सागर के लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आई थिंक फेस्ट का, क्योंकि स्कूल वगैरह में तो सबको पता है सब कुछ होता नहीं है। ये देखो ये मेरे पीछे आके बैठ चुका है ये एल ए। तो गाइज इस वीडियो का तो करेंगे हम ये पैन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और दैट्स इट।